क्या आपको पता है धारा 370 क्या है? नहीं तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला लिया। राज्यसभा में अमित शाह ने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में स्वच्छ अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या है ये 370। विशेष जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता है। इसके मुताबिक भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्रों रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बनाई जा सकती है। इसके अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती है। विरोध और समर्थक के तर्क। इन अनुच्छेद को हटाने का विरोध करने वाले का सोचना है कि इसकी बाकी भारत के लोगों को भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार मिल जाएगा, साथ ही नौकरी और अन्य सरकारी मदद के लिए भी वे हकदार हो जाएंगे, इसके उनकी जनसंख्या में बदलाव हो जाएगा। समर्थक। सुप्रीम कोर्ट में 2014 में इस पर केस चल रहा था। मामले में दाखिल याचिका में तर्क दिया गया था कि ये भारत की भावना के खिलाफ और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली प्रावधान है, जबकि कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है। ये अनुच्छेद एक देश के नागरिक के बीच भी पैदा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा संविधान के अनुसार अस्थाई नागरिक वही व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा और कानूनी तरीके के संपत्ति का अधिग्रहण किया हो। इसके अलावा कोई शख्स 10 वर्ष से राज्य में रह रहा हो। अनुच्छेद 35 ए जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के अस्थाई निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। अस्थाई नागरिक जम्मू कश्मीर में न अस्थाई रूप से बस सकते हैं और न ही वहां संपत्ति खरीद सकते हैं। उन्हें कश्मीर से सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति भी नहीं मिल सकती। 1994 में इस संविधान को जोड़ा गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज शेयर कीजिए और बताइए अपने दोस्तों से कि क्या है 370। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।